किसको देख रही हो? तो ये प्रोजेक्ट तो हमने यहाँ पे देख लिया जो हमें पसंद है, अब चलते हैं दूसरी तरफ। बाहर वाले में कल रात से बेचारे जगे हुए हैं। सॉरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू व्लॉग पर और आप सबको हमारा नमस्कार प्रणाम। पहला कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मास्टर के तंदरुस्त होंगे, हम भी बढ़िया है। और फिलहाल आज हमारी पहल हो रही है रूम देखने जाने के लिए, तो बब्बू मुझे आधे रास्ते मिलने वाले और मैं निकल रही हूँ, लेट हो चुकी हूँ, तो आपसे सीधे मिलती हूँ मेट्रो स्टेशन पर। बाय बाय। तो मैं तो पहुँच गया राजीव चौक, मनु और पता नहीं कहाँ है, तो उसका वेट कर लेते थोड़ी देर। मेट्रो तो ये वाली थी, अब वो मनु कहाँ गई पता नहीं, उतरी या वो चढ़ी रह गई, मेरे को तो दिख नहीं रही, ना यहाँ दिख रही ना यहाँ दिख रही। वो तो चलेगी नेक्स्ट स्टेशन, अब अगली मेट्रो लेके मैं भी नेक्स्ट स्टेशन जाता हूँ, वहीं उतरेगी। तो मैं तो पहुंच गई रामाकृष्णा आश्रम पे, बब्बू हमें मिलने वाले थे राजू चौक पे, पर हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया, कॉल का कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क के इशू के चलते मैं आगे पहुंच गई, बब्बू ही रह गए। अब मैं उनका वेट कर रही हूँ यहाँ पे, देखते बब्बू कब तक आते हैं। ये देखो ये लड़की यहाँ खड़ी है, पता नहीं किसके इंतजार कर रही है। किसको देख रही हो? नहीं रुके क्यों, चली जाते एकदम से, बुलाया कि नहीं? रहन चल, मुंह क्यों पलटना पड़ा था सर? नहीं तो फूल रहते थे मैसेज पर। हाँ तो ज्यादा अच्छी लग रही है। गीली कितनी हो गई तुम? पसीना पूरी भीगी हुआ, पसीना पतला। एसी वो आ रही मेट्रो में, फिर भी आवाज ही लगा, इतने सालों बाद अकेले आ गए। मैं सच्ची बता रही हूँ, आपसे कहने वाली थी, मेरे को ये तो लगा था इतना अजीब सा अकेले के लिए जा रहे हो, कहीं घर से बाहर ही नहीं निकलती अकेले, बताओ मोटी औरत। पंडित जी ने कहा था साथ साथ जाना, साथ। पंडित जी ने ये थोड़ा बोला कि बेताल बन जाना करके, पति के ऊपर चिपके रहना, बेताल जहाँ पति जाएगा वहाँ जाऊंगी। और कहा फिर आया, बाद आया मैंने टिकट भी पहली बार लिया, मैं बार सोच भी रखी। कैसे लिया तुमने? ऑनलाइन? हाँ। चलो बढ़िया, 50 का है सर, 50। तो हम जा रहे हैं अभी द्वारका, द्वारका हाँ नवादा ही, मतलब उस साइड को घर देखने। तो मेट्रो आ गई है, चलो जल्दी चलो, तुम आराम से बैठी पड़ी हो, कहीं खाली नहीं मिलती है मेट्रो में, अभी से वहाँ से आते आते टाइम मिलेगी खाली, कहीं भी चल जाओ। तो अभी भी मार चुका है। हेलो, सभी वेलकम देखो। हेलो, स्टेट तो महादेव स्टेट पे है उसके पास में, और यहाँ से देखो अभी कहाँ मिलता है। तो ये प्रोजेक्ट तो हमने यहाँ पे देख लिया जो हमें पसंद है, अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये रही दूसरी प्रॉपर्टी, अब यहाँ जाके देखते हैं कैसा है। एक और रिजेक्शन इस फ्लैट से, लोकेशन काफी अंदर को है, कंजेस्टेड एरिया है बहुत, तो चलते हैं कुछ देख। हमने इतने ऑप्शन देखे लेकिन कोई पसंद ही नहीं है। तो मैं तो अभी ऑफिस में बैग रख के आया था, तो बैग लेके आ रहा हूँ, मनु रोड पे रुक गई थी, वहां से आके ला ली टाकू बनते। आगे पीछे भी नहीं देख दे रही क्या हो रहा है, मेरे है वो अंकल ऐसे ला रहे बिल्कुल कार्टन चुपका के, मैं मेरे पीछे यहाँ, लेकिन ट्रैफिक बहुत है हमारे वहाँ से आने में लग गया। वेस्ट विनोद नगर में इतना नहीं होता, लेकिन यहाँ गजब ही ट्रैफिक है। क्यों? पहले भूख लग रही है, खा लेते हैं। मैं भी वही कह रहा था, तुम कुछ खा लो घर के पहले, भूख लग गई। मेरा तो चल जाता है। क्यों? अंग्रेजी शराब की दुकान है, मतलब बियर भी होगी। मैंने भी देखा है बाबू, बियर पी लो चिल्ड वाली, बिल्कुल चिल्ड बियर पी लो तुम, ठीक हो जाओगी, कोई भूख भूख नहीं, भूख और कवर कर लेंगे आज ही, और देखने होंगे और चल जाएंगे, कुछ खाते पीते हैं उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं गौरव होम्स एंड बिल्डर्स के पास में, और यहाँ से देखते हैं अब यहाँ पे हमें पास ऑप्शन मिलता है या नहीं जैसा हम चाहते हैं। हैं के थ्रू तो हम भी पहुँच चुके हैं, देखते हैं। हम यहाँ से लेंगे बाइक और इससे चलेंगे देखने के लिए लोकेशंस भी, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह भी। गौरव हाउस में, हाँ इसमें छोटे वाले है,
तो जैसे सेम फर्निश में होगा ये भी? हाँ ये तो होता ही है, सेम फर्निश में तो ये होता ही है। हाँ कबर्ड सब जैसे कोल्डिंग कर जाएगी जो बेड के पीछे लगे पूरे ही बालकनी और बेड के छोटे पर मिलेगा आपको। और एक इसमें भी वॉशरूम अटैच है। हाँ देखिए ये है लिविंग एरिया और ये है किचन और ये है एक और बेडरूम, उसके साथ अटैच अच्छा वो है और अटैच वॉशरूम। बाहर बालकनी है, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन सही है। और आगे है कुछ नहीं है, आगे रोड बन रही है। ये पसंद आ रहा है अभी फिलहाल हमको, देखते हैं क्या प्लान बनता है। ये होता है कार्ड न रखने का नतीजा। क्या हुआ मन्ना? तो गर्मी से हो गई हालत बहुत ही खराब। मैं तो अंदर आ गया हूँ कार्ड से, वो मोबाइल से अभी टिकट बुक ही कर रही है, तो उसका वेट करते हैं तब तक का, और थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करते हैं। ये अभी भी लगी पड़ी है रिचार्ज करने में। जब से हम यहाँ पे बैठे हैं द्वारका वाली तीसरी मेट्रो आ गई और अभी तक वो नोएडा वाली मेट्रो ही नहीं आई है। कल रात से बेचारे जगे हुए हैं, सोने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हुई है। अब घर जाके सो जाओगे, सीधे कल उठ रहे आगे आगे बब्बू जा रहे, पीछे पीछे मैं आ रही हूँ। आगे आगे चाहत चली, मैं यहाँ हूँ पीछे। हाँ तभी हम राजीव गार्डन से मेट्रो चेंज कर रहे हैं, पिंक लाइन की तरफ जा रहे हैं। इतना थक गए कि चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हम खुद ही चल रहे हैं सर, मून वॉक करते हैं। यहाँ पे मून वॉक अच्छा बन जाएगा हमारा, तो यहाँ से देखेगा मून वॉक कैसे दिखेगा। यार पकड़ता पिंक लाइन की मेट्रो। तो हमारी हो चुकी है घर वापस की, पेंट पे लगा रखा ऊपर खुशबू आ रही है। पेंट मेरे कपड़े अपने सब ऐसे ही रहे, जल्दी जल्दी में अब बहुत थक गए। दरवाजा तोड़ दिया, अब करते हैं आराम है? कपड़े भी सूख गए, बाद में हटाऊंगी, भी नहीं हटाती हूँ। सो हेलो गाइस, रात के 10 बज रहे हैं और बब्बू भी सो रहे हैं क्योंकि वो दिन भर सो नहीं पाए थे। कल नाइट शिफ्ट के बाद हम सीधे डायरेक्ट चले गए थे वहां से रूम देखने के लिए। सो काम तो बना नहीं, सारा दिन जरूर लग गया। तो उसके बाद हम पहुंचते पहुंचते हमें 5:30 ऐसा हो ही चुका था, 6 बजे करीब बब्बू को भी नींद आ गई थी। दैन उसके बाद अपने काम में लग गई, फिर उसके बाद ब्लॉग हमने बनाया नहीं। तो फिर मैंने सोचा अब ब्लॉग बनना तो क्या ही बनाऊँ, तेरे घर के अंदर का हमारा ऐसे ही रहता है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आपसे आने वाले करके नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय माता दी। मेरा खाना बन रहा है, उठ जाएंगे तो बब्बू डिनर कर लेंगे, सो जाएंगे तो सुबह ब्रेकफास्ट कर लेंगे। बाय बाय।